हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक प्रिंटर में स्वागत है। आज की वीडियो में जेरॉक्स वर्सेस सेंटर साइम 845 में आईडी कार्ड की कॉपी कैसे करें उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आईडी कार्ड की फोटो स्टेट आज के दो फ्रंट बैक अगर आपको कॉपी करनी है इसकी ना, तो कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। चाहे कोई भी पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पहचान पत्र, कोई भी कार्ड हो आपको, अगर फ्रंट बैक आपने कॉपी करनी है तो कैसे करनी है ना, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो ये है जेरॉक्स वर्सेस सेंटर 7845। तो अभी यहाँ पर आपके देखेंगे ना, ये है आई डी कार्ड कॉपी, ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ना। ठीक है, अभी ये सारे खुल चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग आई डी कार्ड कैसे करना है, तो कितनी कॉपी रखनी है आपको यहाँ पर कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी रखनी है, एक दो तीन जो भी रखना है। ठीक है, कलर ऑटो करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कलर का रखना है, कलर रखना है ब्लैक एंड वाइट रखना है, जैसे अगर जो कार्ड होगा कलर है ब्लैक एंड वाइट, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक प्रिंट लेगा। ठीक है, कौन किस पे आपने डिसेटिंग करनी है कर सकते हैं, जूम करना है या छोटा करना है बड़ा करना है प्रिंट, वो का देख सकते हैं। और किस ट्रे में आपका पेपर है, एक में दो में तीन में, जो नमी है तो हमने एक में रखा हुआ है तो एक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे फ्रंट साइड, उसके बाद लाइट चाहिए डार्क चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, फोटो है या फिर टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर सकें, या न्यूज पेपर है मैगजीन है। ठीक है, जो भी है आपका मैटर है। ठीक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये है ऑटो सेपरेशन, ऑटो सेपरेशन ज़रूरी है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, अगर ऑटो सेपरेशन नहीं होगा ना तो जो बैक दिख रहा है, जो प्रिंट के बैक साइड ग्राउंड नहीं आएगी, इसमें आपको दिख रहा है ना, और ऊपर वाले में जो दिख रहा है आपको ग्राउंड दिख रही है, इस तरह की ग्राउंड आएगी इसकी बेस पे। तो यहाँ पर आपको ऑटो सेपरेशन रखना है, उसके बाद करना है यहाँ पर क्लिक। ठीक है, अभी फ्रंट रखना है आपको, मतलब ये वाला। ठीक है, तो अभी हम ये रखेंगे, उसके रखना क्या आपको यहाँ पर उठाना है, इसको किसी पोजीशन में रख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ रखेंगे इस जगह पर रखेंगे, सेंटर में रखना है आपको। ठीक है, फ्रंट साइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट दबाएंगे ग्रीन वाला बटन, अभी ये कह रहा है घुमा के लगाओ, यहाँ पर मैसेज आएगा, देखो ये दिख रहा है आपको, बैक साइड लगाओ। तो आपने क्या करना है, सीधा इसी पोजीशन पे, आपने कुछ नहीं करना है, इसी पोजीशन पे आपने, इसी पोजीशन पे आपने रखना है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट दबाना है। तो अभी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, लिखा रहा है वेटिंग टू प्रिंट। रोटेट हो रही है, इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं। अभी देखो ये आ चुका है आधार कार्ड प्रिंट होकर। ठीक है, और अगर कोई भी आधार कार्ड आपने करना है तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। कल अभी क्वालिटी देखो प्रॉपर आ रही है, ठीक है, क्वालिटी बिल्कुल ओके आ रही है। ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट बैक कर सकते हैं, कोई भी कॉपी आप कर, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ऑटो सेपरेशन दिखाऊंगा। ठीक है, ऑटो सेपरेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इस पर कर सकते हैं वर्किंग। ठीक है, फिर उठाते हैं इसको, पहले यहाँ रखते हैं इस तरीके से, दोबारा करते हैं फोटो स्टेट। ठीक है, एडिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑटो सेपरेशन होता क्या, अभी हम ऑटो सेपरेशन ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिक करेंगे। ठीक है, सब कुछ ओके है, कॉपी भी क्लिक करेंगे। ठीक है, हो गया, अभी हम लोग बैक साइड घुमा के रखेंगे। उसका दोबारा क्लिक करेंगे, स्टार्ट दबाएंगे, अभी दिखाएंगे। अभी आपको दोनों प्रिंट में ये विदाउट जो ऑटो सेपरेशन है वो वहाँ पर मैंने ऑटो सेपरेशन ऑफ किया, दोनों में दिखाऊंगा फ़र्क क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं, देखो ये देख रहे हैं ना, ये पूरे प्रिंट पे बैक साइड बेस आ रहा है, ये वाला पूरा क्लियर आ रहा है, इस तरीके से आपको ये दिख, ये देखो आप इस पर पूरा देखो, ये पूरा साफ आ रहा है, ऐसे ग्राउंड में कुछ भी नहीं है इसमें, देखो पूरी ये पूरी ग्राउंड आ रही है इस पर। तो
तो अगर आप ऑटो सेपरेशन नहीं करेंगे तो पूरी वीडियो प्रिंट पे ग्राउंड आएगी इस तरीके से, और आप ऑटो सेपरेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरी क्लियर क्वालिटी आएगी। ओके, तो ये ऑटो सेपरेशन होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ आई होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।